दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप समंदर में फंस चुके हैं। आपके पास खाना पानी कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई सामान है जिससे आप मछलियां पकड़कर अपना पेट भर सकते हैं। ऐसे हालात में क्या आप अपना यूरिन पीकर खुद को जिंदा रख पाएंगे? हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई मूवी अगेंस्ट द सन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप में से केवल 8.5% लोग ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत 16 जनवरी 1942 से होती है और हम US नेवी के टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट को देखते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हम पायलट हैरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पास्टुला और रेडियोमैन जीन ऑल्ड्रिच को देखते हैं। ये लोग पैसिफिक ओशन में एक पेट्रोल मिशन को अंजाम दे रहे थे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत दूर आ चुके थे। इनका रेडियो अचानक से खराब हो जाता है, जिसे ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कांटेक्ट नहीं कर पाते और ऊपर से इनका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब ये लोग इतने कम फ्यूल पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस नहीं जा सकते। डिक्सन जीन और ऑल्ड्रिच से सारा जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए कहता है और वो लोग जल्दी से सर्वाइवल गियर्स इकट्ठा करते हैं। इसके बाद डिक्सन अपने एयरक्राफ्ट को पानी के ऊपर लैंड करता है। लैंड करने के बाद डिक्सन जल्दी से अपनी लाइफ राफ्ट को इन्फ्लेट करता है। ये तीनों जल्दी से अपनी लाइफ राफ्ट पर आ जाते हैं और इनका एयरक्राफ्ट पानी के अंदर डूब जाता है। समंदर में आज इनका पहला दिन है। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि समंदर में इनके साथ क्या हो सकता है। इनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं है, लेकिन डिक्सन को ये उम्मीद है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई एयरक्राफ्ट जरूर आएगा। इसलिए वो टोनी और जीन से हर तरफ नजर रखने के लिए कहता है। ये लोग हर तरफ नजर रखते हैं। बहुत टाइम बीत जाने के बाद इन्हें आसमान में दूर एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, जो शायद इन्हें ही रेस्क्यू करने के लिए आया था। उस एयरक्राफ्ट को देखने के बाद डिक्सन जीन से फ्लेयर गन मांगता है, लेकिन जल्दी जल्दी में जीन फ्लेयर गन लाना भूल गया था। इसलिए ये लोग अपने कपड़े वेव करके उस जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं और इससे इन्हें बहुत निराशा होती है। डिक्सन जीन और टोनी से कहता है कि अब नेवी उन्हें एक टर्म से सम्मानित करेगी, जिसे कहते हैं लॉस्ट इन सी। इन्हें अंदाजा लग जाता है कि ये लोग अब समंदर में कई दिनों तक फंसने वाले हैं। इसीलिए डिक्सन जीन और टोनी से सारा सामान एक जगह पर रखने के लिए कहता है। इनके पास कुछ रस्सियां, वायर्स और एक गन होती है। डिक्सन टोनी और जीन से कहता है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब इन्हें मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाना होगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास मछलियाँ पकड़ने के लिए फिशिंग हुक था ही नहीं। तभी टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास गन की एक एक्स्ट्रा मैगजीन होती है। वो उस मैगजीन से उसकी स्प्रिंग निकाल लेता है और उससे एक फिशिंग हुक बनाता है और उस हुक को वो लोग एक धागे के साथ बांध कर समंदर में डाल देते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उस हुक में मछली फंसेगी और कब ये लोग उसे खाकर अपना पेट भरेंगे। अब इन्हें समंदर में फंसे हुए 5 दिन बीत जाते हैं। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और ना ही इन्होंने पानी पिया था। इन्हें बहुत प्यास लग रही थी। इनके हुक में अभी कोई मछली नहीं फंसी थी और ना ही इन 5 दिनों में बारिश होती है। डिक्सन से अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो अपना जूता निकाल कर उसके अंदर यूरिन करता है और उसे ठंडा करके पी जाता है, जिससे कुछ देर के लिए उसकी प्यास बुझ जाती है। डिक्सन को मैप्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए वो राफ्ट के एक साइड पर एक मैप बनाता है और अपने दोनों साथियों को बताता है कि अगर हवाएं इसी तरह चलती रहीं, तो वो लोग जल्दी आइलैंड्स पर पहुंच जाएंगे। उन आइलैंड्स तक जल्दी पहुंचने के लिए वो लोग कपड़े की मदद से एक सेल बनाते हैं और उसे पानी में लहरों की दिशा में डाल देते हैं। लहरों की वजह से उस सेल पर पानी का प्रेशर पड़ता है और उनकी राफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि इनके पास आगे बढ़ने के लिए चप्पू नहीं थे, अब इनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ये तीनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें जल्दी से किसी आइलैंड पर पहुंचा दे। रात में समंदर में बारिश आना शुरू होती है।
ये लोग बारिश देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग एक वाटर बैग में पानी जमा करते हैं और कई दिनों तक ये तीनों उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। इनके हुक में अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी थी, इसलिए जीन एक चाकू से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वो चाकू से एक छोटी शार्क को पकड़ लेता है। ये तीनों उस शार्क को अपनी बोट पर खींच लेते हैं और कई दिनों तक उसे खाकर ये लोग अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक रात जब जीन समंदर में चाकू की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर एक शार्क अटैक कर देती है। वो उसके हाथ को बाइट कर लेती है। उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इन्हें समंदर में कई दिन बीत जाते हैं। इनके लिए ये एक रूटीन बन जाता है। ये लोग हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें जमीन पर पहुंचा दे, और हर रोज ये मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जब रात में बारिश होती है तो ये लोग पानी जमा करके रखते हैं। इन्हें अब समंदर में खोए हुए पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनकी लाइफ राफ्ट पर एक पंछी आकर बैठ जाता है। उस पंछी को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। इनके पास खाना नहीं था, इसलिए जीन उसे शूट करके मार देता है। वो पंछी पानी में गिर जाता है। तभी डिक्सन पानी में कूद कर उस पंछी को लेने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है। शार्क उस पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जीन और टोनी उसे अपनी लाइफ राफ्ट में खींच लेते हैं। इसके बाद ना तो बहुत दिनों तक बारिश होती है और ना ही ये कोई मछली पकड़ने में कामयाब होते हैं। इसीलिए ये लोग अब बहुत कमजोर होने लगते हैं। इन्हें बहुत भूख लगती है और साथ ही इन्हें बहुत प्यास भी लग रही थी। देखते देखते अब इन्हें समंदर में 20 दिन बीत जाते हैं। डिक्सन ने जीन और टोनी को आसपास नजर रखने के लिए कहा था ताकि उनसे कोई आइलैंड मिस ना हो, लेकिन टोनी और जीन को नींद आ जाती है और उनसे वो आइलैंड्स मिस हो जाते हैं जिनके लिए वो उम्मीद कर रहे थे। इस बात से डिक्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो टोनी और जीन को बहुत डांटता है और जीन को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है। इसलिए जीन डिक्सन को कन्फ्रंट करता है। वो उसे कहता है कि हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से फंसे हैं, क्योंकि तुम्हें एयरक्राफ्ट में नींद आ गई थी। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो अभी हम अपने घर पे होते। इस बात से डिक्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये लोग सच में उसकी गलती की वजह से इस समंदर में फंस चुके हैं। इसलिए वो जीन और टोनी से माफी मांगता है। डिक्सन के माफी मांगने के बाद जीन और टोनी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उनसे वो आइलैंड्स मिस हो गए। उन्हें अब लगने लगता है कि वो लोग इसी समंदर में मारे जाएंगे। तभी डिक्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास उसके जूते होते हैं। वो अपने जूतों को काट देता है और उनकी सोल को अलग करता है। वो उन सोल को चप्पूओं की तरह यूज करता है और उनके सहारे वो लोग आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते इन्हें अब 30 दिन बीत जाते हैं। इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और ना ही इन्होंने पानी पिया था। इनमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग अपनी लाइफ राफ्ट को आगे बढ़ा सकें। ये बहुत कमजोर हो चुके थे। लेकिन 30वें दिन पर इनकी किस्मत चमक जाती है। उस दिन में ही बारिश आना शुरू होती है। ये लोग पेट भरकर पानी पीते हैं, लेकिन तभी आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। समंदर में हलचल होने लगती है और इनकी तरफ एक भयानक तूफान आने लगता है। तूफान को देखकर ये लोग डर जाते हैं। वो तूफान इन्हें अपने साथ बहा ले जाता है, लेकिन किसी तरह ये तीनों मैनेज करके वापस अपनी लाइफ राफ्ट के पास आ जाते हैं। उस तूफान की वजह से इनका सारा सामान पानी में बह जाता है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इनका पानी भी समुद्र के पानी की वजह से खराब हो जाता है। अगले दिन से इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये लोग अपनी लाइफ राफ्ट को भी आगे नहीं बढ़ा पाते। ये तीनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और अब इन तीनों को अलग अलग हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। डिहाइड्रेशन और समंदर में धूप की वजह से इनकी बॉडी पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर वाला इनकी दुआएं सुन लेता है। ये लोग जमीन के पास पहुंच जाते हैं। जब इनकी नजर जमीन पर पड़ती है तो ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इनकी खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इन तीनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इनके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। ये लोग अपने हाथों से अपनी लाइफ राफ्ट को आगे बढ़ाते हैं और आखिरकार ये तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं। इन 30 दिनों के दौरान इन्होंने जितनी भी मेहनत की थी वो मेहनत आखिरकार रंग लाती है। इसलिए कहते हैं कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, आखिरकार उसे अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें असली जीन टोनी और डिक्सन की एक फोटो दिखाई जाती है जो उन्हें रेस्क्यू करने के बाद ली गई थी
और हमें ये भी बताया जाता है कि जहाँ पर इनका जहाज क्रैश हुआ था वहाँ से उन्होंने उस आइलैंड तक 1000 मील का सफर तय किया था। उस आइलैंड का नाम पुका पुका आइलैंड है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने समंदर में 34 दिन बिताए थे। अपने दोनों साथियों की जान बचाने के लिए डिक्सन को नेवी की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया था और इस हादसे के बाद डिक्सन ने जहाज उड़ाना छोड़ दिया था। इस पूरे हादसे के दौरान टोनी को जो चोटें लगी थी उनकी वजह से वो नेवी में अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाया। 1986 में उसकी डेथ होने के बाद उसकी अस्थियों को उसी ओशियन में बहा दिया गया था। वहीं जीन ने इसके बाद भी एज ए रेडियोमैन जंग में अपने देश की सेवा की और 1946 में उसने टोनी की सिस्टर से शादी कर ली। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें आपके फीडबैक का पता चलता है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।